नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस बी मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं रूबी रेड S5 इंजेक्शन के बारे में। रूबी रेड S5 इंजेक्शन को मशहूर कंपनी मैक्लोड्स फार्मा बनाती है, जिसकी प्राइस है 312 रुपये और 69 पैसे पर 5 ml के पैक में। ये ग्लास बेस का पैकिंग होता है, जिसमें जो कंटेंट्स हैं वो हैं फेरिक हाइड्रोक्सीजन कॉम्प्लेक्स विद सुक्रोज, इसमें जिसे हम एलिमेंटल आयरन कहते हैं वो होता है 20 mg। इसका यूज़ आप स्पेशल डॉक्टर सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। इसे आप आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी कह सकते हो। रूबी रेड S5 इंजेक्शन एक आयरन सप्लीमेंट दवा है, जो आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया यानी खून की कमी में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो गई है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या फिर कोई महिला है जिनको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने लग गई थी, या फिर उनको किसी वजह से मिसग्रेज हो गए हैं और उस कारण उनको एबॉर्शन कराना पड़ा है और उसकी वजह से खून की कमी हो गई, तो भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है। या फिर किसी एक्सीडेंट या कहीं आपके कट लग जाने के कारण आपको क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गए हैं, तो भी उस टाइम खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर इसे यूज़ में ले सकते हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके शरीर के पास पर्याप्त मात्रा में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, और अगर आपको खराब पोषण या मिनरल के खराब एब्जॉर्प्शन के कारण भोजन से पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पा रहा है, तो आपका शरीर कम RBC का प्रोडक्शन करेगा और इस कारण आपको एनीमिया हो सकता है। तब ऐसे में ये इंजेक्शन क्या करता है, आपके रेड ब्लड सेल्स के लेवल्स को बढ़ाता है और थकान और कमजोरी जैसे एनीमिया के लक्षणों को कम करता है। अगर आपको एनीमिया की कमी में ओरली ट्रीटमेंट देने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तब इसे यूज में लिया जाता है। ये एक एलिमेंटल आयरन सुक्रोज का मिक्स करके बनाया जाने वाला इंजेक्शन है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, तब आपको कमजोरी के कारण बहुत ज़्यादा थकान आने लग जाएगी, उठते बैठते टाइम आपकी आंखों के अंदर चल जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ होना और स्किन का कलर सफ़ेद पड़ सकता है। और भी कई कंडीशन है जहां डॉक्टर इसे यूज में ले सकते हैं, जैसे कि आपको कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर सर्जरी हुई है, आपको स्टमक अल्सर है जिस कारण उन अल्सर में से ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, आपको आंतों में इन्फेक्शन या फिर आंतों का कैंसर हो गया है, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो भी ऐसी सभी कंडीशंस में इसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ इसके काफ़ी शानदार इलाज आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके सावधानी के बारे में। तो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, अस्थमा हैं, हाई BP हैं, या फिर लीवर से जुड़ी हुई कोई भी गंभीर समस्या है, तो ऐसी सभी कंडीशंस में इसके यूज़ करने से पहले आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इसमें मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है, तो भी डॉक्टर्स को आप जरूर बताएं। डोज की अपन बात करें तो इसका जो डोज होता है वो अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन होती है, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसका जो नॉर्मल कंडीशन में इसका जो डोज है, इसे एक इंजेक्शन पर डे या फिर एक अल्टरनेट डे के हिसाब से सिर्फ IV यानी नस में लगाया जाता है। इससे IM यानी मांस में नहीं लगाना है, और इससे IV अगर आप IV फ्लूड में डाल के कर रहे हैं, तो कम से कम उस फ्लूड को मतलब इंजेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 30 से 60 मिनट लगना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट इसे IV कर रहे हैं, तो बहुत ही स्लो से IV करना है, मतलब कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे फास्ट इंजेक्ट कर दिया तो पेशेंट की नसें पंक्चर हो सकते हैं और मरीज बेहोश तक हो सकता है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें, और सिर्फ आप हॉस्पिटल फैसिलिटी में यूज़ करें, इसे आप घर पर यूज़ ना करें। और जब आपके डॉक्टर ने आपको इसे प्रिस्क्राइब किया है, तभी इसे यूज़ किया जाए, अपने मन से इसका यूज़ नहीं करना है। जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे आपको कब्ज होना, उल्टी घबराना और काले कलर का आपको मल आ सकता है। ये जो साइड इफेक्ट हैं, ये कुछ टाइम पे लेते हैं, ये कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है, या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।